हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम जानेंगे कि हमारे पास में इस समर सीजन के अंदर देखा जाता है कि एक्वेरियम का पानी थोड़ा थोड़ा होकर लेवल उसका कम होता है और उसके बाद में होता ये है कि हमारे पास में जो पानी का प्रॉब्लम आता है, हर जगह पानी की कमी हो रही है। उस ऐसे टाइम में, इस टाइम में हम ये आज देखेंगे कि जो हमारे पास में जो एक्वेरियम में पानी है उसी पानी को हम यूज़ करते हुए किस टाइप से हम उसको फ्रेश करते हुए कम से कम पानी में हमारा एक्वेरियम चला सकते हैं और उसको जो रेगुलर हमारे पास में पानी जो गंदा होता है उसी पानी को क्रिस्टल क्लियर, जिस टाइप से एकदम प्लेन पूरा फ्रेश, जिस किस टाइप से हम पानी को कर सकते हैं उसके लिए मैं दो तीन आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों। तो उसी टाइप से जिस टाइप से हम हमारे मछलियों को पीएच लेवल या एक्वेरियम में कोई मछलियों को साइड इफेक्ट ना हो उसके लिए हमें तो आज जो प्रोसेस देखने वाले हैं कि हमारा जो एक्वेरियम है महीने के बाद, दो महीने के बाद, छः महीने के बाद भी वही पानी को हम यूज़ करेंगे और कम पानी के अंदर जो पानी है उसको यूज़ करते हुए किस टाइप से हमें तो हमारा एक्वेरियम को फ्रेश और मछलियों को स्ट्रांग रख सकते हैं, जिसके अंदर हमें देखने में भी खूबसूरती लगे, मछलियों को घूमने में भी मज़ा आए। जिस टाइम से हमारा पानी आज देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा गंदा हो चुका है, इस पानी को कैसे क्लियर करने का तो आज हम जानेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो पता चलेगा कि हमें तो हमारे एक्वेरियम में जो पानी है उसको यूज़ करके, रिसाइकल करके किस टाइप से रीयूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक्वेरियम है। इस एक्वेरियम के अंदर हम देख सकते हैं कि जो नीचे से जो भी गंदगी है, डस्ट है, इसी डस्ट के कारण है तो हमारे पास में जो पानी, जो एक्वेरियम का जो पानी है, टैंक का जो पानी है पूरा पीला धुंधला हो चुका है। इस पानी को हम किस टाइप से क्लियर करना है वो भी देखेंगे। तो हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये जो गंदगी है, जो देख रहे हैं इस गंदगी को हम, इस डस्ट को हम एक इस पाइप के थ्रू, जो साइफन पाइप होता है उसके थ्रू तो पानी निकाल कर उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। मैं साइफन पंप के थ्रू यहाँ से मैं इस थोड़ा सा पानी को कम कर देता हूँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको दो से दो घंटे के अंदर में पूरा पानी है तो इसको क्लीन करके दिखा दूंगा आपको। देखिए तो फ्रेंड्स, इस टाइप से हम जो नीचे का जो कचरा होता है, नीचे की जो डस्ट होती है, इस डस्ट को हम साइफन पंप के थ्रू पूरा है तो नीचे से निकाल देंगे पहले तो। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी गंदगी जम चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास में जो नीचे की जो डस्ट है, नीचे का जो पानी है, जैसा कि आप एक्वेरियम में भी देख सकते हैं ऊपर भी, तो ये पानी पूरा है तो साफ। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने तो इस एक्वेरियम में का कुछ पानी निकाल दिया है, जिसके अंदर जो नीचे गंदगी थी उस पानी को ही हमने यहाँ पर निकाल दिया है दोस्तों। और इसी पानी को हमें तो यहाँ पर ये जो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास में जो फिटकड़ी है, जिसको हम, इसको तुरटी बोला जाता है इसको, या फिटकड़ी बोला जाता, जो हम पानी को साफ़ करने में जो रेगुलर हम सदियों से जो यूज़ करते हैं, इसी फिटकड़ी को हम यहाँ पर घुमाएंगे। बस इसको 10 सेकंड घुमाना है दोस्तों इस टाइप से। देखिए ये जो फिटकड़ी है, इस फिटकड़ी को मैं इस पानी के अंदर घुमा देता हूँ 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के बाद में हम देखेंगे इसका और भी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 10 सेकंड इसको घुमा दिया हूँ और इसको हम रखेंगे एक घंटे के लिए, सिर्फ छोड़ देंगे दोस्तों इस पानी को एक घंटे के लिए। हम इसको, इसके अंदर जो कचरा है, जो डस्ट है, पूरी नीचे बैठ जाएंगी, उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों इसका क्या है। तो देखिए दोस्तों, एक घंटे के अंदर हमने यहाँ पर देखा है कि जिसके अंदर फटकड़ी हमने घुमा दी थी, फिरा दी थी, उस फटकड़ी के थ्रू है तो इसके अंदर जो भी इसकी डस्ट है, जो इसकी गंदगी है, जो इसका बैक्टीरिया है, टोटल नीचे बैठ चुका है। और इस पानी के अंदर जो अच्छा सा साफ पानी है ऊपर है, इस साफ पानी को हम रीयूज़ करके इसके अंदर एक्वेरियम के अंदर इसी पानी को क्रिस्टल क्लियर कैसा होता है वो देखेंगे। तो दोस्तों इस, आप कंटिन्यू देखते रहिए। इस पानी को मैं तो एक कपड़े के थ्रू इसको हम फिल्टर छान लेते हैं इसको, और छानने के बाद में हम देखेंगे इस पानी का क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस पानी को फिल्टर कर लेते हैं, एक बार छान लेते हैं पानी को। तो डालेंगे हम यहाँ पर हमारे पास में जो पानी है, एक घंटा जो पुराना, जिसमें अंदर हमने तुरटी को, फिटकड़ी को घुमा दिया है, उसी पानी को फिल्टर फ्रेश छानेंगे दोस्तों। देखिए इसके अंदर का जो फ्रेश फ्रेश पानी है ऊपर से नज़र आ रहा है हमें, और इसके अंदर जो डस्ट गंदगी है वो भी इसके अंदर कपड़े के अंदर ऊपर से अटक, यहीं छान के ऊपर जा रही है। देखिए वाला बहुत सारा गंदा पानी है हमारे पास में जो बैक्टीरिया वाला, इसी पानी को हम फिल्टर कर रहे हैं।
दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो पानी फिल्टर किया है, पानी जो छाना है कपड़े से, तो कपड़े से छानने के बाद में हम इस पानी का रिजल्ट देखेंगे दोस्तों। और इस टाइप से हमारा जो पानी का फ्रेश लेवल कितना होता है, कितना साफ होता है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास में जो पानी है क्रिस्टल क्लियर जैसा हो चुका है, जो जैसा कि हमने एक्वेरियम में पहले देखा था। तो ये जो पानी का जो क्लियरिटी थी, जो कोल्ड था, तो बहुत सारा कोल्ड वाटर था, यहाँ पे फ्रेश वाटर एकदम फ्रेश हो चुका है। अभी हम इसको एक्वेरियम के अंदर यूज़ करेंगे और मैं एक छोटा सा बाउल लेके चेक कर देखेंगे हम इस पानी को, कितना पानी फ्रेश है हमारे पास में। तो उसी टाइप से हम इस पानी के अंदर देखते हैं कि जो फ्रेश वाटर हमारा जो मछलियों के लिए रीयूज़ करने का जो प्रोसेस है, बहुत ही पानी सेव करने के लिए और पानी को बचाने के लिए, एक्वेरियम में मछलियों को स्ट्रांग रखने के लिए हम जो फटकड़ी वाला जो प्रोसेस यूज़ किए हैं, उसके अंदर ये पानी का क्लियरिटी एकदम बहुत ही साफ और फ्रेश पानी हो चुका है। तो जो हमने पानी को फ्रेश किया है, उस पानी को मैं एक्वेरियम बाउल के अंदर डाल के हम देखेंगे पानी कितने परसेंट हमारे पास में क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। उस टाइप से यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, इस बकेट के अंदर का जो पानी मैं इस हमारे बाउल्स के अंदर छोड़ रहा हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वाटर को हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में इस वाटर के अंदर कुछ गोल्डन फिश है अपने पास, तो गोल्डन फिश को मैं छोड़ के दिखाता हूँ कि हमारे पास हम छोड़ के देखेंगे पानी को, पानी के अंदर फिश किस टाइप से सर्वाइव कर सकती, किस टाइप से ब्यूटीफुल खूबसूरत फिश का मजा लुक आएगा इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ आर्के गोल्ड जो फिश है हमारे पास में, इस फिश के अंदर इस फिश को हमने बाउल के अंदर पानी में छोड़ दिया है। देख सकते हैं कि इस टाइप का क्रिस्टल वाटर क्लियर पानी आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। अगर आप तो आप इस पानी के अंदर जो पानी से परेशान है, समर सीजन में पानी का शॉर्टेज है, तो इस टाइप से आप है तो जो एक्वेरियम में पानी है उसी को रीयूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर के बैक्टीरिया को कम करके, अमोनिया लेवल भी कम करके, इस टाइप से जो है तो फटकड़ी के थ्रू है तो हम पानी को वापस से रीयूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ इस टाइप के और वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और नई वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉच, और मिलेंगे दोस्तों फिर।